अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से एक महीने पहले इनसे पूछे थे, आज से तीन हफ्ते पहले का अभियान हमारा शुरू हुआ था तब ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है, सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हजारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पर चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है, ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैंची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं, इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको, प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का पिछले इन तीन हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। अभी दो दिन पहले नायब सिंह जी ने, तीन दिन पहले फतेहाबाद में कहा, क्योंकि मेरा नाम ले कहा तो मैं उसका उल्लेख करूँगा, उन्होंने कहा दीपेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, हम ये हिसाब देते हैं और ये 10 काम गिनवाते हैं जो फतेहाबाद ज़िले में हुए। वो 10 काम में से 7 काम हुड्डा सरकार में हुए थे, कांग्रेस की सरकार में हुए थे। जब ये बात सामने आई आपने देखा उन्होंने फतेहाबाद के DPRO को सस्पेंड कर दिया। जिस सरकार को यही नहीं पता, जिन सरकारी मुखिया को, कि काम कौन सी सरकार में किए गए हैं, कितनी रुचि होगी उनको विकास कार्य को लेकर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिनके खुद के गिनवाने लायक या तो काम नहीं है और या उनको जानकारी नहीं है, तो ऐसी सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, बेचारे DPRO क्यों सस्पेंड करे। तो कहने का मतलब ये है आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई है और जनता में रोष है, जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और हम ये अभियान लेकर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये अभियान लेकर घर घर तक, पूरे प्रदेश तक पहुंच रही है। बधाई देना चाहते फिरोजपुर जिरका की छत्तीस बिरादरी की के जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। और इसके लिए जो हमारे स्थानीय विधायक हैं अमन जी, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इतनी अच्छी तरह मैनेजमेंट और जो पूरा जो, क्योंकि इतनी गर्मी में आपने देखा होगा कि आज रिकॉर्ड गर्मी थी, मगर इतनी गर्मी में सारे साथी साथ चले, तो लोगों के जज्बे को भी सलाम और ममन जी को भी बहुत बहुत बधाई। आफ्ताब जी तो की तो सरपरस्ती में मेवात का कार्यक्रम हुआ ही है, तो आफ्ताब जी को तो हम शुभकामनाएं दे ही रहे। ये जो मांगे हैं हमारे तीनों मांगों को पहली कलम से कांग्रेस पार्टी मंजूर करके काम कराना काम करेगी। दुर्भाग्य है कि आपने देखा होगा जो हमारे समय था, आप शिक्षा की, आप यूनिवर्सिटी की बात करी, आपको याद होगा मेवात में तमाम ITI उसी समय बनी, मेवात पॉलिटेक्निक उस समय बना, हमारा मेडिकल कॉलेज उसी समय बना, अस्पताल उसी समय बना। तो एक एक करके जो, और स्कूल मेवात के में हमने कितने स्कूल बनाए, आप 250 स्कूल अपग्रेड हुए, और तो ये सारी जो अपना स्कूल जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं, और हमने नगीना में रीजनल सेंटर की घोषणा की, और उस समय कि MDU पहले रीजनल सेंटर और फिर आगे जाके उसका स्वरूप यूनिवर्सिटी बनेगा। लेकिन ये अपना सरकार आते ही उसको रद्द करने का काम किया, 10 साल तक एक कोई स्कूल और एक कॉलेज भी मेवात में नया कोई बनवाने का काम, कोई ITI कोई पॉलिटेक्निक अगर किया हो तो उसका नाम बताएं, बल्कि बंद करने का काम किया गया है। यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। एक और हमारी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी रेल की लाइन जो आपने कहा, उसके अलावा रेल की लाइन 2013 में हरियाणा सरकार ने लिख के दिया, हुड्डा सरकार ने, कि 3 रेल की लाइन थी, वो यमुनानगर सडोरा होते हुए चंडीगढ़ और मेवात होते हुए अलवर तक,
ये रेल की लाइन हरियाणा सरकार आधा पैसा देने का हरियाणा ने सरकार ने कहा, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, ये रेल की लाइन बिछे। बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने 10 साल एक इंच नहीं रेल की लाइन हरियाणा के लिए मंजूर नहीं कराई, और दो मंजूरशुदा रेल की लाइन थी, तीन, एक हिसार से अग्रोहा जो तीसरी, ये तीन मंजूरशुदा रेल की लाइन थी, इन पे भी इनकी फाइलें भी ठंडे बस्ते में। तो ये सारी जो अपनी ये तीनों जो मांगे हैं अपना, चाहे वो सड़क की बात है जो आप कह रहे हैं, नहीं देखिए जहाँ तक अरेंजमेंट की बात है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मांग रही है पूरे अहिवाल क्षेत्र की, बहुत लंबा एक आंदोलन उसके लिए चला है, और जो है मैं समझता हूँ कि ये हर वर्ग की, ये जो जो भी वर्ग चाहता है, जो मांग है जब आती है तो उनको एग्जामिन कराना कराया जाना चाहिए। अरेंजमेंट की बहुत पुरानी, बहुत लंबा संघर्ष किया गया, एक आंदोलन किया गया उस अरेंजमेंट की मांग को लेकर, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में बहुत मैं समझता हूँ कि फौज में जाने की एक परंपरा रही है, और इसीलिए उस बात को मैंने संसद में रखा। बाकी भी किसी वर्ग की जो बात आएगी, जैसे मांग आएगी उसको हम आगे, ये आज आपने ये प्रश्न किया मुझसे अभी इससे जब चल रहे थे, तो जो क्रिकेट एसोसिएशन के हरियाणा के हैं अनिरुद्ध चौधरी जी से उनसे मैंने बात करी है, और उन्होंने कहा बेशक आप ये बात कह दें कि एसोसिएशन बनाने की प्रक्रिया मेवात डिस्ट्रिक्ट की अलग पूरी हो चुकी है, एसोसिएशन जो भी उनकी अपनी अंदरूनी कार्रवाई है वो हो चुकी है सारी, और अगले वर्ष से मेवात जिले की अलग क्रिकेट टीम खेलेगी, जिले की क्रिकेट टीम खेलेगी। ये आज उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आज आपका इस प्रश्न का उत्तर में ये मैं कह दूं, तो आप इसको जो है अच्छे से आप टेकअप करें, और प्रश्न के लिए धन्यवाद, आप घोषणा कर दें कि अगले साल से पहले हम मेवात की क्रिकेट टीम का गठन करके, और मेवात की क्रिकेट टीम उतरेगी हरियाणा की अगली जो सीज़न हो। देखिए ऐसा है कि उनका मैंने पहले कह दिया था लोकसभा से पहले कि इस पार्टी किसी भी सीट पर जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके जिस पार्टी ने भाजपा की सरकार बनवाई हो, और हर कदम पर हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का उन्होंने उनकी कार्यशैली रही हो, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन कहा लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात, किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात, खिलाड़ी हमारी बेटियों के आंदोलन में हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाली ये पार्टी का एक परंपरा बनी। तो मैंने उसी समय कह दिया था और कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है और एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बचेगी, वही हुआ। और आज मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में दो ही मुकाबले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं है हरियाणा में। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और INLD का। नहीं, इनकी नोटा से कम वोट आई हैं, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा, दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि उसके ज़्यादा हरियाणा में मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पार्टी के बारे में, पार्टी के संपर्क में सभी हैं, तो बहुत इसमें तो कोई, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा। हरियाणा में एक दूसरे को हम अच्छी तरह जानते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं जो है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, इसमें तो कोई, ये बड़े गंभीर बात है कि आज जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं पिछले 10 वर्ष से उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा देश के विपक्ष का मानना है, हमारा मानना है, क्योंकि आपने देखा लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से विपक्ष की मजबूत आवाज़ों को निशाने पे लिया जाता है, जिन प्रदेशों में चुनाव हैं वहाँ पर विपक्ष को निशाने पे लिया जाता है। दो दो मुख्यमंत्री अंदर हो गए थे, केजरीवाल जी तो अभी भी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी अंदर हो गए थे, जिनको बड़ी जो है मशक्क़त से बेल पे बाहर आए हैं। आपने देखा होगा कि सारा विपक्ष, कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा विपक्ष का मजबूत जिसको जो है जिसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां ना पड़ी, और एक भी कोई भाजपा का किसी लीडर के ऊपर कोई कभी कोई मुकदमा होता नहीं, कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये देश के सामने ये इस तरह बात हो रही है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। हरियाणा में भी हम देख रहे हैं तीन हमारे विधायकों पर, कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और तो ये अच्छी बात नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बताना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती देश में, ये प्रजातंत्र का, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ तो कतई नहीं दबाई जा सकती, हमारा एक इतिहास रहा है, हम लोग के हितों के लिए लड़ते ही रहेंगे,
और इस तरह की भाजपा की बी और सी टीम के रूप में केंद्रीय जांच एजेंसियां आएंगी तो लोग उसका भी जवाब वोट की चोट से देंगे। संगठन को लेकर क्या रणनीति है? हमारा मजबूत संगठन है, ये रणनीति हमारा संगठन मजबूत है, हमें दिखा दिया लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा मत प्रतिशत आया, भाजपा से ज़्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई, तो यानी कि उनको तो कह रहे थे उनका संगठन हर पन्ने में है, लेकिन वो पन्नों तक रह गया, जमीन तक तो फिर हमारा ही संगठन मिला, आपने देखा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस का मजबूत संगठन है, बाकी जो है संगठन का विस्तार का जो प्रश्न है, समय समय पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जब ठीक समझती है तो विस्तार होता रहता है। तो 10 साल का हरियाणा का जो हम तो हिसाब देने को तैयार हैं, हमने तो वो भी डॉक्यूमेंट छपवाया है कि हमने क्या किया, इनने क्या किया, हम तो तैयार हैं, और वो लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। एक एक क्षेत्र में हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनी हरियाणा में, गुड़गांव फरीदाबाद बहादुरगढ़ जुड़ा, इनके समय 1 इंच भी मेट्रो हरियाणा में नहीं बिछी। हमारे समय 250 किलोमीटर नई रेल की लाइन बनी और 300 किलोमीटर नई रेल की लाइन मंजूर हुई जिसमें मैं बात वाली, इनके समय 1 इंच भी नई रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई। हमारे समय 4 थर्मर के और 1 परमाणु के कारखाने बने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इनके समय 1 कोई नया कारखाना या 1 यूनिट भी किसी कारखाने में नहीं जुड़ी। हमारे कांग्रेस पार्टी के समय पूरे हरियाणा में 7 बड़े औद्योगिक केंद्र IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित किए गए ताकि उद्योग आए, इनके समय 1 भी नया औद्योगिक क्षेत्र पूरे हरियाणा के अंदर नहीं लगा। हमारे समय 4 लाख ऐसी समाज के परिवारों को, बैकवर्ड समाज BCS समाज के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले, इनके समय 1 भी किसी परिवार को 1 गज का प्लॉट भी 10 साल में नहीं मिला। तो हमारा तो बिल्कुल हिसाब किताब रेडी है ये, मगर ये भी दें अपना, असली बात तो 10 साल से ये सरकार, आज ये बताएं देश में नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया, ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा, ये बताएं। देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी का एक ही क्राइटेरिया है चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को उतारा जाएगा और जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनको विनिंग कैंडिडेट्स और कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड कैंडिडेट्स, ये क्राइटेरिया रहता है कांग्रेस पार्टी का। आज जो है मैं समझता हूँ कि ये जो है पूरे प्रदेश में जो आपकी कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सबको पता है कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताने की हमें आवश्यकता नहीं।